हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने जो रेंज होती है, रेंज को आप कलर के अकॉर्डिंगली कैसे शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट मतलब अगर आपकी कोई रेंज है, एक पर्टिकुलर रेंज, उसमें आपके कलर हैं, कोई भी कलर है, मतलब ब्लू, ग्रीन, रेड, और उसके अकॉर्डिंगली आपको शॉर्टिंग करनी पड़ती है थ्रू VBA। तो उसका एक मैं आपको कोड बताऊं किस तरह से आप इजीली इस कोड को बना सकते हैं और कैसे इसको मतलब मैक्रो को एक नॉर्मली रिकॉर्डिंग मैक्रो के थ्रू बना सकते हैं। और इसमें आपको मतलब हल्के फुल्के चेंजेस करने पड़ेंगे और आपका पूरा कोड वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो VBA के थ्रू मतलब रिकॉर्डिंग के थ्रू हम कुछ पार्ट तक हम अपना एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उसको अपने कोड में मतलब अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली मेरे पास एक क्वेरी आई थी एक सब्सक्राइबर की, जिसमें लिखा हुआ था कि सर हाउ टू शॉर्ट ऑन सेल कलर इन VBA, प्लीज़ अपलोड वीडियो ऑन दैट। तो इसी से रिलेटेड मैं आपको वीडियो मतलब ये बना रहा हूँ, जिसमें कि आपको बताऊँ किस तरीके से आप अपनी रेंज को शॉर्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास लेट सपोज ये एक डेटा है, डमी डेटा, जिसकी रेंज हमारे पास है 120 तक। तो इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ जिससे कि ये ईज़िली पता चल जाए इसे देखने में। तो इतनी रेंज मैं कम कर देता हूँ। तो मेरे पास डेटा भी है 43 तक, और इसमें मैं कुछ सेल्स को कलर कर देता हूँ। इनको मैं कर देता हूँ ब्लू कर देते हैं ऐसे, और कुछ सेल को यहाँ पे इस तरीके से ब्लू कर देते हैं, और इसका भी कलर चेंज कर देते हैं। और जो ये वाली सेल है हमारे पास, इनका सॉरी, इसका कलर मैं ये वाला कर देता हूँ, ये ब्लू कलर कर देते हैं, कोई सी भी सेल का कर देते हैं अब कलर ब्लू, राइट। तो अब हमें हमारी टास्क ये है कि हमें अपनी जो रेंज को शॉर्ट करना है वो करना है कलर के अकॉर्डिंगली, राइट। अगर आपको नॉर्मली करना होता है विदाउट VBA तो सिंपल होता है कि यहाँ पे क्लिक करके आपने शॉर्ट बाय कलर किया तो इस तरह से आपकी रेंज सेलेक्ट हो जाती है, राइट। और अभी मैं इसको नॉर्मल जैसे पहले था सीरियल नंबर के अकॉर्डिंगली कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा डेटा है, ठीक है। तो अब हमारे पास है कि VBA के थ्रू कैसे एग्जीक्यूट करें। तो VBA के थ्रू अगर आपको एग्जीक्यूट कराना है तो इसके लिए एक मतलब ज़्यादा लंबा कोड नहीं बनता है, लेकिन अगर आप रिकॉर्डिंग के थ्रू करना चाहते हैं तो रिकॉर्डिंग के थ्रू भी आप इसे कर सकते हैं। तो अभी देख सकते हैं कि डेटा हमारा नॉर्मली शॉर्ट हो गया है। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे कि हमें ज़्यादा इसमें कोड को यूज़ ना करके मतलब हम एक रिकॉर्डिंग मैक्रो के थ्रू इसे करेंगे और हल्का फुल्का इसमें मैनिपुलेशन करेंगे, जो कि आप मेरे पुराने वीडियोस में देखेंगे तो भी आपको मालूम चल जाएगा, लेकिन इस वीडियो में मैं बता दूंगा। तो आप मेरे पुराने वीडियोस भी इससे रिलेटेड होते हैं, जैसे रेंज और सेल, तो इससे काफ़ी आपको अच्छी हेल्प मिलेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने जो सेल्स होती हैं। लेट सपोज हमें पहले इसे शॉर्ट करना है, देन हमें ब्लू को शॉर्ट करना है, येलो एंड ब्लू। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं अपने जैसे यहाँ पर इस तरह से मैंने रेंज को मतलब इस तरह से सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन आता है नो मैक्रो आर करंटली रिकॉर्डिंग, क्लिक टू बिगिन रिकॉर्डिंग अ न्यू मैक्रो। तो इसमें आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब भी आप रिकॉर्डिंग मैक्रो कर रहे हो तो आपके हर एक स्टेप्स को वो रिकॉर्ड कर लेता है। तो आप स्टेप आप पहले सोच लें और उन्हीं एग्जैक्ट को सेम प्रोसेस करें, राइट। तो इसमें हमें जैसे हमें करना है इसमें शॉर्टिंग, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे आते हैं मैक्रो का नाम, तो मैं लिख देता हूँ शॉर्ट कलर, ठीक है, इसका नाम दे देता हूँ मैं, और मैं ओके कर देता हूँ। तो अभी देखेंगे कि जैसे मैं इसमें ओके करूँगा तो इसका रिकॉर्डिंग का एक सिंबल आ जाएगा, यहाँ पे रिकॉर्ड होने लग जाएगा, मतलब ओके किया तो ये रिकॉर्डिंग चलने लग गया। मैक्रो इज़ करंटली रिकॉर्डिंग, क्लिक टू स्टॉप। अगर मुझे स्टॉप करना होगा तो मैं इसी बटन पर क्लिक करूँगा तो मेरा मैक्रो स्टॉप हो जाएगा, राइट। तो मेरा मैक्रो स्टार्ट हो गया है, तो मैं होम बटन पर मैंने क्लिक किया। होम बटन पर क्लिक करने के बाद मैं शॉर्ट एंड फिल्टर पर गया, और देन मैंने क्लिक किया कस्टम शॉर्ट पर, और यहाँ पे आता है व्हाट डू यू वांट टू डू, एक्सपेंड द सिलेक्शन। मैं इसे कर देता हूँ शॉर्ट कर देते हैं इसे, राइट। और ये मेरे पास पुराने कुछ हैं तो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, इन लेबल्स को। तो जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें लिखा होगा शॉर्ट एड लेबल ऑप्शन, ठीक है। और इसके बाद आप एड लेबल पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, और एड लेबल पर क्लिक करने के बाद अभी हमारे पास कौन सा कॉलम है, सीरियल नंबर, कंट्री, पॉपुलेशन, वर्ल्ड शेयर एंड लैंड एरिया, राइट। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके कर दूंगा, यहाँ पे मुझे करना है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन पे क्लिक किया,
पॉपुलेशन पे क्लिक करने का शॉर्ट ऑन, तो अभी वैल्यूज़ है लेकिन मुझे वैल्यू से नहीं करना है, मुझे कलर से करना है पॉपुलेशन में। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, सेल कलर पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही मैं सेल कलर पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद मेरे पास एक ही जो इस पर्टिकुलर कॉलम में मेरे पास सिर्फ एक ही कलर है, अगर और कलर भी होते तो उनके छोटे छोटे यहाँ पे सिंबल दिखाता। अभी मेरे पास सिंपल एक कलर है तो मैं इसे ओके कर दूंगा। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। और यहाँ पे ऑन टॉप ऑन बॉटम, इस तरीके से आप इनको भी अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। और मेरी दूसरी लेबल है मुझे ई कॉलम में, मुझे येलो से शॉर्ट कराना है, देन मुझे शॉर्ट कराना है ब्लू से। तो मैं एक और ऐड लेबल क्लिक करूँगा, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मेरा ई कॉलम का नाम है लैंड एरिया, तो इस पर क्लिक किया। और इसके बाद मुझे सेल कलर लेना है, सेल कलर पे क्लिक करके और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ ब्लू कलर है, तो ब्लू कलर को सॉरी क्लिक करके हम इसे ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे कि मेरा ये ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो गया है। तो पहले ये इसको प्रायोरिटी देगा शॉर्ट होने में, इसके बाद हमने क्योंकि एड लेवल पहले ये दिया था तो शॉर्ट होने के बाद फिर इसको ये प्रायोरिटी देगा। तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली मेरे पास जितना भी इसके एल्गोरिदम के अकॉर्डिंगली हमारे पास ऊपर आ गया डेटा, शॉर्ट हो गया। तो मेरा इतना कोड हो गया, तो हम इसे यहाँ से स्टॉप कर देंगे। तो मेरा मैक्रो यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया है। तो हम अपने डेटा को पहले की तरह करने के लिए नॉर्मल यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करेंगे और सीरियल नंबर को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर देंगे, जैसे कि 1 2 3 में पहले हमारे पास डेटा था, इस तरह का हमारे पास डेटा की सीरीज थी, राइट। ऑल्ट F11 करेंगे और हमारे पास जो मैक्रो रिकॉर्ड हुआ होगा वो इस मॉड्यूल मॉड्यूल फोल्डर के अंदर होगा। तो मॉड्यूल फोल्डर को क्लिक करेंगे और मॉड्यूल 1 पे क्लिक करेंगे, तो हमने जो नाम रखा था उसका नाम रखा था शॉर्ट कलर, और मैं इसको रन करवाता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरा कलर यहाँ पे शॉर्ट हो गया है, राइट। तो मैं प्रीवियस स्टेज में कर देता हूँ उसे यहाँ से, और ये इस तरह से हो गया। तो अब हम अपने कोड को देखते हैं, राइट। तो कोड को अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एग्जैक्टली अब हमें हल्के फुल्के मैनिपुलेशन करने हैं, राइट। तो इस वाले पार्ट को जो ग्रीन वाला है इसे आप हटा भी सकते हैं यहाँ से। तो अपने कोड को हमें ज़रा मतलब देखते हैं कि क्या क्या काम किया इसने। तो अभी आप देखते हैं कि जैसे इसने वर्कबुक डेटा डेटा हमारी ये है शॉर्ट फिल्टर क्लियर, तो ये ऑटोमेटिकली ये कोड जनरेट हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे है एक्टिव वर्कबुक डेटा शॉर्ट फिल्टर एड रेंज C2 to C39। तो बेसिकली अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारी जो रेंज है C2 to C39 है, तो इसके बेसिस पे ये इसने उठाया है। और यहाँ पे हमारा कलर का, तो कलर का जो हमारा जो ब्लू कलर है, तो उसका रेड ग्रीन ब्लू करके इसका एक कोड का एक इंटीजर वैल्यूज आती है 25550, तो इसका नंबर है। तो ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये हमारे पास जो येलो कोड था उसका एक जो VBA के अकॉर्डिंगली, तो ये हमारे रेड ग्रीन ब्लू के अकॉर्डिंगली तो ये कोड है उसका येलो का। देन हमने क्या था, E2 to E39 वाला, ये वाला हमने कॉलम शॉर्ट किया था, और इसका जो कोड है ब्लू का वो है 016। तो ये आपको ये कुछ नहीं करना है क्योंकि हमने जब रिकॉर्ड किया था और असेंडिंग मोड में हमारा हुआ है ये, तो इसका कोड है, तो हमें एक चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा कोड एग्जैक्टली सही है, लेकिन हमारा ड्रॉबैक ये है कि लेट सपोज हमारे पास कल 39 ना हो के हमारी वैल्यूज़ हो गई 40 100, तो लेकिन हमारा कोड सिर्फ C39 की वैल्यू को पिक करेगा। तो हमें सिर्फ इसी वाले पार्ट को डायनेमिक करना है, राइट। तो इसके लिए हम सिंपली एक यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे डिम आई एज ए इंटीजर, और आई इज़ इक्वल टू ले लेंगे हम ये वाला मेथड यूज करेंगे रेंज A2 से, इस तरह से वैल्यू लेके आएंगे। तो हम जब ड्रॉप एक्सेल जैसे यहाँ पे A2 में गए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो किया, तो ये वाला मेथड यूज़ करना है कि यहाँ से जो भी वैल्यू आए तो उसको ही पिक करे, ना कि 39 को ही मतलब स्टैटिक रखे, राइट। तो इसके लिए लिखेंगे हम रेंज A1 डॉट एंड एक्सेल डाउन डॉट रो। तो हमने F8 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 किया तो 39 की वैल्यू आ गई। और इस तरीके से जैसे अगर यहाँ पर वैल्यू होगी तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो होगा, तो जो भी हमारे पास रो का नंबर होगा उसकी वैल्यू आई में स्टोर हो जाएगी। तो हमारा आई की वैल्यू होगी, तो हमें आई की वैल्यू यहाँ पे हमें मैनिपुलेट करानी है, राइट। तो C2 तो हमारा ठीक है क्योंकि C2 हमारा यहीं से स्टार्ट होगा, हमारे साथ जब भी नंबर होगा। तो हमारे एंड वैल्यू को हमें ठीक करना है, तो हमें इसके लिए क्या करेंगे, 39 को हटा देंगे यहाँ पे,
और इस डबल कोट के आगे हम लिखेंगे एंड आई, बस इतना ही काम करना है हमें। फिर यहाँ पे भी हम हटा देंगे और इसके पीछे हम एंड और आई दो जगह पे था, और एक लास्ट हमारा यहाँ पे है, इसको हटा देंगे यहाँ से और एंड आई, और हमारा कोड हमारा एग्जैक्टली रेडी हो गया है, राइट। और तो हम इसे रन करवाते हैं यहाँ से। अब इसका एक बटन बना देते हैं हम, राइट। पहले इसे इस तरह से रन कराते हैं, रन किया तो देखेंगे कि शॉर्ट हो गया हमारा कलर, और मैं सीरियल नंबर से इसको पहले की तरह कर देता हूँ और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। और इसी वाले कोड को, अभी हमारा 39 तक वैल्यू थी, अब हम चेक करेंगे कि अगर इससे ज़्यादा की रेंज हो जाती है तो क्या होता है फिर। तो हमारे कलर भी ज़्यादा हो गए यहाँ पे, क्योंकि मैंने यही रेंज दोबारा पेस्ट कर दी है। अब हमारे पास ज़्यादा कलर आने चाहिए, तो अब हम इस कोड को रन करते हैं यहाँ पे, तो आप देखेंगे ज़्यादा हो गए हमारे पास, ठीक है, ये ज़्यादा हो गए हमारे पास येलो वाले। फिर मैं इस पूरे कोड को एक बार फिर से कॉपी कर देते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि हमारी डायनेमिक जो रेंज हमारी थी वो ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। अभी तक हमारे पास इतना था, अब फिर से मैं इस कोड को रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे कलर के अकॉर्डिंगली पूरे के पूरे हमारे शॉर्ट होके हमारे पास डेटा आ गया है। तो इस वाले कोड में एग्जैक्टली हमने क्या किया, हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने सिर्फ एक मैक्रो रिकॉर्ड किया है, और मैक्रो रिकॉर्ड करने के बाद हमने जो डायनेमिक फील्ड, जो रेंज की वैल्यू थी, हमने एक वेरिएबल्स उसे रिप्लेस कर दिया है। तो जब भी हमारे पास डेटा हमारा इंक्रीज़ होगा तो हमारी वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी और हमारा कोड बाकी सेम काम करेगा। तो आपको ये देखने की ज़रूरत भी नहीं है कि बाद का कोड आपका क्या करता है, राइट। थोड़ा बहुत नॉलेज लेना तो सही है, लेकिन अगर आपको रिकॉर्डिंग मैक्रो के थ्रू करते हैं तो आप इसके थ्रू बहुत ईजिली कोड बना सकते हैं। आपको बस इसमें मैंने क्या किया है, खाली एक वेरिएबल को ही चेंज किया है, लेकिन रिकॉर्डिंग से ही सब कुछ नहीं सीख सकते, क्योंकि लूप्स और बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम रिकॉर्डिंग से नहीं कर सकते। लेकिन काफ़ी हद तक का जो डेटा होता है, हम उसे रिकॉर्डिंग के थ्रू एक कोड जनरेट करके एक आइडिया ले लेते हैं, और अपने कोड को मैनिपुलेट करके हम अपना जो भी पर्पज़ है उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इस कोड को यूज़ कर सकते हैं, एक डमी डेटा लेके इस तरह से कलरिंग करके, एक रिकॉर्ड करके, और खाली आपको वेरिएबल में चेंजेस लेके आने हैं, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को।